कितने सीट आएंगे में? 48 में से कितने? हम दो हजार चौबीस में फोर्टी एट उससे नीचे, तो नहीं 43, आ, तो नीचे नहीं आएंगे आगे ही जाने की कोशिश है नहीं पर उस वक्त तो आप चीफ मिनिस्टर थे तो क्या हुआ इस बार आ, अरे भाई चीफ मिनिस्टर से क्या होता है इस बार है आप बीएमसी के चुनाव स्टेट इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन मतलब बट नहीं रहा आपका पहली बात तो यह है कि लोकसभा में एक ही लीडर होता है और वो मोदी जी होते हैं इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर हूं मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं या मैं कोई और हूं कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों ने मोदी जी को जिताना तय कर दिया है लोग जिताने वाले हमारा काम इतना है कि वी डोंट हैव टू बी कॉम्प्लेसेंट रणनीति तो रणनीति हम, हम करेंगे कॉम्पलेसेंसी हम नहीं रख सकते और लोगों को ग्रांटेड नहीं ले सकते दो चीज़ें अगर हम कर ले तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है लैंडस्लाइड विक्ट्री महाराष्ट्र हाँ बिल्कुल 2024 इलेक्शंस के बाद क्या आप मुंबई में रहेंगे महाराष्ट्र में रहेंगे या दिल्ली चले जाएंगे देखिए मैं तो महाराष्ट्र में रहना चाहता हूँ मैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स करता हूँ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ लेकिन जैसा मैंने मेरी राजनीति की एंट्री के बारे में भी बताया मैं जिस विचार को बिलोंग करता हूँ उसमें हम अपने फैसले नहीं लेते हमारे बड़े हमारे नेता हमारे फैसले लेते हैं वो कहेंगे आप पार्टी में काम करो पार्टी में काम करूँगा वो कहेंगे लेजिस्लेटिव विंग में काम करो वहाँ करूँगा वो कहेंगे मुंबई में काम करो तो मुंबई में करूँगा वो कहेंगे दिल्ली में करो तो दिल्ली में करूँगा वो कहेंगे तमिलनाडु में करो तो वहाँ भी जाकर करूँगा तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि फैसला तो उनको करना है मेरा चॉइस ऐसा पूछेंगे तो मैं महाराष्ट्र में काम करना चाहता हूँ क्या यही पद्धति आप आ, या यही रूल्स हैं आ, जो जूनियर लेवल पर आ, जो बीजेपी अभी अभी ज्वाइन करते हैं क्या आप उनको भी यही सीख देते हैं दैट दे हैव टू वर्क एनी जी मैं बिल्कुल उनको ये देखिए हम लोग तो साई बाबा हम का हमारे यहाँ मंदिर है और साई बाबा को हम लोग मानते हैं तो साई बाबा के मंदिर में जाने के बाद वहाँ दो शब्द लिखे होते हैं श्रद्धा और सबूरी श्रद्धा तो आप जानते हैं सबूरी का मतलब है पेशेंस तो इसलिए अपने काम पर श्रद्धा होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए दो चीजें रहेंगी तो पॉलिटिक्स में आप आगे ही जाओगे पीछे नहीं जाओगे महाराष्ट्र के चाणक्य शरद पवार माने जाते थे लेकिन जिस तरह आपने पिछले साल ऑपरेशन कमल करके आप सरकार को ले आए अब चाणक्य आप हैं क्या नहीं जी मैं बहुत छोटा आदमी हूँ मैं चाणक्य वगैरह नहीं हूँ ये बात जरूर है कि जब कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करता है कोई मुझे धोखा देता है तो मैं याद रखता हूं अपना समय आने की राह देखता हूं अपना समय आने की राह तो फिर उस वक्त भी आपने कहा था कि वक्त आने पर बताऊंगा अब वक्त आ गया बता दीजिए तो कुछ चीजें तो बताई ना आपको <laughs> बाकी चीजों का वक्त आना है